सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई आज का व्लॉग ऐसा है, कुछ आज निकले हम लोग। आज जैसे फ्राइडे है बट वीकेंड राइड ही कह लीजिए, क्योंकि थोड़ी लंबी होने वाली है, कुछ 400 से 500 किलोमीटर। और ये मेरी फर्स्ट राइड है इतनी लंबी, तो इसलिए सुबह सुबह निकल गए हैं क्योंकि रात तक वापस भी आना है। तो ये राइड कहाँ की होने वाली है वो आप लोगों को जाके पता लगेगा, या आप लोगों को रास्ते में बताता हूँ। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अपने छोटे भाई के साथ, जो इसको हम लोग अपने होम टाउन से पिक करेंगे। तो वो अपनी बाइक पे जाएगा, मैं अपनी बाइक पे। कौन सी बाइक ली है भाई ने वो भी बताएंगे, क्योंकि उस बाइक का रिव्यू वीडियो और बाकी जितने भी होते हैं आप लोग के स्पेक वीडियो कह लीजिए, आप लोग ऑनरशिप वीडियो कह लीजिए, वो भी मेरे चैनल के ऊपर आने वाला है। और कल मैंने एक पोल डाला था कि मैं अपने मोटो ब्लॉग के लिए एक नया चैनल बनाऊँ, या जो मेरा एग्जिस्टिंग यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं अभी एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ, उसी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँ। तो 70% लोगों का है कि यार चैनल नया मत बनाइए, उसी पे आप लोग आप नए जो आपके मोटो ब्लॉग के वीडियो हैं वो डालिए। तो आप लोग की आप लोगों से पूछने के बाद और उसके फाइनल करने के बाद ही मैं अब जो मेरा एग्जिस्टिंग चैनल है उसके ऊपर मैं जो मेरे मोटो ब्लॉग्स के वीडियो हैं वो डालता हूँ। और जैसे आप लोगों ने दूसरे मेरे चैनल पर प्यार दिया भाई, और मेरे इन वीडियोज़ को भी देना, क्योंकि इन पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है अभी, क्योंकि इस पर क्या है ट्रैवलिंग वगैरह में और इन सब में एडिटिंग में यार बहुत टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत भी लगती है यार, ठीक है। तो उस हिसाब से सपोर्ट करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अगर इसी तरह के कंटेंट आप लोग और देखना चाहते हैं मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो बहुत लोग पूछते हैं यार मेरे से कि यार मैंने ये वाली बाइक क्यों ली, एसडी एडवेंचर। इसके साथ साथ मेरे पास दो ऑप्शन और भी थे, एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन था, एक सुजुकी की 250 की एक आती है। तो सुजुकी वाली तो वैसे मैंने आउट कर दी थी यार, क्योंकि उसमें पूरा प्लास्टिक है और मुझे थोड़ा लोहे वाला सामान चाहिए था बाइक में, कि थोड़ा बहुत यार चलने में थोड़ा मज़ा आए, भारीपन रहे। वो सुजुकी वाली बहुत हल्की बाइक है और वो जमती भी नहीं अपने को। तो इसके साथ मेरे पास इसका एक ऑप्शन था और एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ऑप्शन था। तो इस ये चूज़ क्यों करी, इस पर बहुत सारे इसके मल्टीपल फैक्टर हैं इसके ऊपर यार। सबसे पहले बात करें तो यार इसका लुक मुझे हिमालयन से अच्छा लगता है। हिमालयन थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि बहुत साल से आ रखी है और कोई भी उसके डिज़ाइन वगैरह में चेंज नहीं किया है। अगर कुछ नया मॉडल आ रहा है तो उसमें अगर कुछ डिज़ाइन वगैरह में चेंज करें तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और लोग थोड़ा हमारे जैसे लोग जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं एडवेंचर फील्ड में, तो उनको भी लेने में थोड़ा अच्छा लगे। अब ये वाली बाइक थी जो इसमें थोड़ा लुक वाइज भी अच्छी है, तो मैंने लिया वाइट कलर। वाइट कलर थोड़ा प्रीमियम टाइप भी लगता है यार, इसमें ब्लैक और सिल्वर भी आता है तो मुझे, बट वाइट ही पसंद था। अभी 2023 मॉडल है इसका, वाइट मॉडल अभी है, 2023 में ही लॉन्च हुआ है, तो ये थोड़ा बढ़िया लगता है। और इस बाइक का भी मैं अभी ऑनरशिप वीडियो लेके आने वाला हूँ, कि अभी मेरे को इसको एक महीने से ऊपर हो चुका है, तो इसका कैसा इसका रिव्यू रहा है और इसका कैसा इसका मतलब रहा है, इसका परफॉर्मेंस रहा है, तो उसका भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है। बस सुबह सुबह क्या जाम लग गया। ट्रक वक्त खड़े हो गए शायद, लग रहा है बीच में ना, ये बाइक को देख रहा है लड़के। ये बाइक भाई बहुत अलग सी दिखती है तो ऊंची बाइक है, मतलब बंदा इतने ऊपर बैठा है, इतने देखो बस जा रही है, बस की सीट्स हैं, सीट से भी ऊपर बैठा हूँ मैं। तब ये लगा के चलिए बहुत ऊंची बाइक है। और ये बाइक मतलब ऐसा है कि यार जो कम हाइट वाले बंदे हैं ना, मतलब 5-6 तक वाले चला सकते हैं, 5-6 से नीचे वाले जो है ना उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी बाइक को चलाने के लिए। अरे चलो भाई क्या हो गया, सुबह सुबह 6 बजे कौन सा जाम लगता है भाई, 6 बजे जाम लग गया। मैं तो सुबह सुबह निकला इसलिए था कि यार जाम नहीं मिलेगा, ये तो अभी से जाम लगना शुरू हो गया।
अच्छा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, क्या हो गया? अच्छा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रूट बदल दिया है। अरे यार क्या बना रखा है सर। यहाँ से लेके उत्तम नगर तो कैसी स्ट्रगल है ना, चाहे तुम्हें बाइक चलानी हो स्कूटी चलानी हो, इतना ट्रैफिक रहता है। तो सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है, और ये दोपहर के टाइम आओगे या इवनिंग में आओगे तो पागल ही हो जाओगे। तो इतना ट्रैफिक रहता है, एक एक घंटा लग जाता है यहाँ से और उत्तम नगर जाने में, जो कि कुछ 2 किलोमीटर ही है, एक एक घंटा लोग फंसे रहते हैं। तो ये हालत है यहाँ पर कुछ अभी। ये यहाँ पे इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने यार, कि जनकपुरी से लेके बाईपास तक का ना ये फ्लाईओवर बना दिए हैं। पहले यहाँ बहुत जाम लगता था, तो यहाँ से बाईपास जाना मतलब कि 1-1.5 घंटा, अभी जनकपुरी से बाईपास लगा लो 15 मिनट। तो इतना पास हो गया अभी ये, और हाईवे है, 3 फ्लाईओवर हैं इस पर, जो जनकपुरी को अपने बाईपास से जोड़ते हैं, और बाईपास से तो फिर अपना जीटी रोड है ही, डायरेक्ट कहीं पे भी जाना हो उसके थ्रू आप जा सकते हो। बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है सुबह तो, ये यहाँ पे खाली रहता है एकदम। अगर आपको अंदर की साइड कहीं आओगे तो आपको भीड़ मिलेगी। अगर आप लोग हिमालयन लेने की सोच रहे हो तो एक बार इसकी राइड भी लेना, और फिर डिसाइड करना कि कौन सी लेनी है, क्योंकि हिमालयन का तो एक देखो अपना ही वो है कि लोग हिमालयन रॉयल एनफील्ड के उससे लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड है, बट ये भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं उसके, और वो बाइक भी बहुत अच्छी निकाल रहे हैं। तो भाई सुबह हो चुकी है, सूरज अपने सामने है, और क्या बेहतरीन सुबह हुई यार। मतलब सूरज देखे हुए बड़ा अरसा हो गया था, मतलब उठ मैं जल्दी जाता हूँ बट सूरज देखने का मौका सिर्फ दोपहर में मिलता है 12-1 बजे ऑफिस में जब लंच करने आते हैं, बट ये जो सुबह है भाई 6-6:30 बजे की 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, और क्या बेहतरीन मज़ा आ रहा है यार। मतलब बंदा राइड पर राइड करे जाए और ऐसी सुबह देखे तो, ठंडी ठंडी सुबह राइड करने का मज़ा डबल हो जाता है यार। जो ये व्यू है मतलब ये कैमरे में पता नहीं कितना जस्टिफाई होता है कि नहीं होता यार, बट लोग सही बोलते हैं मतलब कि जो आंखों से देखते हैं जो चीज़ें वो कैमरे में कभी नहीं रिकॉर्ड हो सकती। तो ये जो मज़ा है भाई ये मज़ा तो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, या जितने भी अपने राइडर हैं जो सुबह सुबह निकलते हैं कहीं पे घूमने के लिए, या बाकी लोग जो काम पे जाते हैं वही लोग इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो भाई क्या ही मज़ा है, लोग ऑफिस जा रहे हैं भाई, आज तुम्हारे भाई ने छुट्टी ले ली है, आज तुम्हारा भाई वैसाखी मनाएगा, आज वैसाखी की आरएच है ना तो भाई ने आरएच ले ली है। इसका भी अपना ही मज़ा है, फ्राइडे मस्त घूमने निकले। अभी सूरज अपने सामने था, अब साइड में आ गया है, बेहतरीन व्यू के साथ हो रही है बेहतरीन राइड। ऐसे ही मौसम रहे ना तो चलाने में मज़ा आता है भाई, कोई भूख नहीं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा। और अभी हम आ चुके हैं, अभी जिसके बाद आएगा अपना
बाईपास, इसको हमारे यहाँ का छोटा हिमाचल बोलते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे भी हिमाचल की तरह पहाड़ हैं बढ़िया बढ़िया। आप लोगों को दिखाता हूँ अभी हमारा छोटा हिमाचल, दूर दूर से लोग आते हैं मिलने, दूर दूर से कि दिल्ली का हिमाचल देख के आते हैं। वेलकम टू हिमाचल गाइस, हिमाचल पहुँच चुके हम लोग। जहाँ की मैं बात कर रहा था सुबह कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ, तो हम पहुँच चुके हैं हिमाचल। वो देखिए दूर पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, पहुंच गए भाई हिमाचल। सुबह सुबह हिमाचल पहुंच गए भाई, आधे घंटे में हिमाचल। दिल्ली से आधे घंटे में हिमाचल पहुंचना हो तो मेरे साथ आइए। ये देखिए भाई पहाड़ी पहाड़, बर्फ वाले नहीं है बट ठीक है, अच्छे हैं। रेस लगाएगा, रेस लगाएगा, हमें नहीं लगानी भाई रेस वेस, हमारी नहीं है रेसिंग बाइक, हम हैं एडवेंचर बाइक, हम चलाते हैं आराम से, क्योंकि तो हमें जाना है दूर, हमें नहीं जाना पास पास। चलो भाई हिमाचल को भाई बोलते हैं, और अब हम जाएंगे लेह लद्दाख। बाईपास से लेके भाई यहाँ तक का, मतलब तो चंडीगढ़ तक का जो रोड है ना, अब पहले क्या था बीच में डिवाइडर वगैरह बहुत थे, अब क्या डायरेक्ट हाईवे बन गया है। अब ये बाकी जितने साइड वाले जो लेन होती है जो गांव से गांव को जोड़ रही है, और बाकी जिससे जितने भी हमारे एग्जिट हैं उनके लिए वो इन्होंने वो लगा दिए हैं, लोहे टाइप के वो लगा दिए हैं, जिनसे बस आप मतलब तो लोग भी आप कूद नहीं सकते। पहले क्या लोग भी कूद जाते थे बीच बीच में, तो जिनके एक्सीडेंट वगैरह होने का बहुत डर रहता था। और अभी देखिए हाईवे इतना बढ़िया बन गया ये, और बाइक वालों का क्या टोल भी नहीं लगता, गाड़ी वालों को तो फिर भी टोल देना पड़ेगा, बाइक वाला तो साइड से निकाल लेगा। और बढ़िया रोड, आप इस पर लंबे से लंबी दूरी जल्दी तय कर सकते हैं, और मज़ा भी आता है चलाने का यार, तब ज़्यादा रोकनी वोकनी नहीं पड़ती, और अपना लॉन्ग ट्रैवल आपका 400-500 किलोमीटर भी बहुत जल्दी आपका कवर हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे बढ़िया है। अरे ये फ्लाईओवर भी बहुत टाइम से बन रहा था भाई, मतलब कई सालों से बन रहा था, और अब जाके ये फाइनल हुआ है। कहीं कहीं पे देखे जैसे अभी ये है, यहाँ पे भी कहीं कहीं पे अभी इसको बढ़ाना बाकी है, बढ़ेगा भी थोड़ा सा, जैसे ये तो अभी अपना दिल्ली बॉर्डर आ गया है, तो ये पता नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या है, बट ये दिल्ली बॉर्डर पे भी इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया है, तो जो टोल वाली गाड़ियाँ या एम सी डी वाली गाड़ियाँ होती है वो लेफ्ट से जाके अपना एम सी डी कटवाए जो कुछ होता है, बाकी अपना सीधे निकल जाए। तो पहले यहाँ पर भी बहुत जाम लगता था यार, यहाँ पर भी एक एक घंटा आपका जाम में फंस जाते थे हम लोग, बट अब सबसे बढ़िया है ये चीज़ का। और अपने को तो बाइक में मज़ा आता है, जैसे मैंने बाइक चलानी शुरू करी मतलब एक डेढ़ महीना ही हुआ है, बट एक डेढ़ महीने में भी अभी चलाने का सही मज़ा आने लग गया। अब तो ये ठीक है यार, अपना बाइक की माइलेज भी ज़्यादा होती है, ट्रैवल भी आप जल्दी कर सकते हो, बढ़िया है। थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गेयर्स वगैरह पहन के चलाएं बाइक अगर चला रहे हैं तो, जैसे ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं अभी, ये मेरे जैकेट और नी गार्ड वगैरह आना है, तो वो आने के बाद फिर प्रॉपर हो जाएगा, तो वो करके फिर उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। फिर अपने जो लॉन्ग टूर है वो सारे लॉन्ग टूर किया करेंगे भाई। हम लोग पहुंच गए अपने मूर्थल, दिल्ली वालों के लिए ब्रेकफास्ट पॉइंट है या डिनर पॉइंट कह लीजिए, दिल्ली वाले यहाँ भर रहे थे। देखिए अभी भी अब तो टूरिस्ट वाली गाड़ी खड़ी है, ये जितने ढाबे हैं भाई शाम के टाइम, आज देखना फ्राइडे है ना आज, तो आज ये सारे फुल होंगे, मतलब यहाँ पे गाड़ी लगाने क्या खड़े होने की जगह तक नहीं रहती। और ऐसा भी कोई मतलब पता नहीं लोग क्यों आते हैं यार यहाँ पर, मतलब एक टाइम था आज से 10-15 साल पहले की यार, ये अमृत सुखदेव कह लो या बाकी कह लो, वो अच्छा खाना देते थे, आज के टाइम पर सब बिजनेस हो गया भाई, और सबका सेम खाना, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देते कि भैया कुछ अलग कुछ टेस्ट है या कुछ है, और पता नहीं लोग फिर भी आते हैं भाई यहाँ पे ना।
तो यहाँ से हमारी फर्स्ट जो हॉल्ट रहेगा 20 किलोमीटर बाद है, जो मेरा होम टाउन है। तो पहले वहाँ रुकेंगे, थोड़ा वहाँ पे नाश्ता पानी टाइप करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर अपने छोटे भाई के साथ आगे निकलेंगे। सफ़र लंबा है भाई, अभी तो 70 किलोमीटर ही हुए हैं और वन साइड आई थिंक 200 के आसपास है आज का सफ़र। तो टोटल पड़ेगा आपका 450 के आसपास का। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, प्लस अपना ब्लॉग तो चल ही रहा है। और ब्लॉग पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और उससे ज़्यादा पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हर हफ्ते अपने बाइक से रिलेटेड, इधर उधर घूमने से रिलेटेड ब्लॉग आते रहेंगे और मज़ेदार ब्लॉग बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसा वैसा नहीं लगता यार, फ्री में है, सब्सक्राइब करो। और आज तो अपनी बाइक के 1000 किलोमीटर भी हो जाएंगे, तो अपना पहला टोल आ गया भाई, ये मुड़सल का टोल है। गाड़ी से पहले मैं आता था तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ 110 रुपये कुछ टोल लगता था, अब बाइक का फ़ायदा है भाई, बाइक साइड से निकाल के ले जाओ, कोई टोल शोल नहीं, कोई टोल का पसट नहीं भाई। अरे हो ना, तो बाइक वालों का ये सबसे बढ़िया रहता है। कई कोई कोई टोल है जहाँ पर टोल लगता है, जो एक्सप्रेस वेज हो गए जितने भी आपके, आगरा वाला हो गया या अम्बाला वाला हो गया, इन सारी जगह आप लोगों के टोल लगते हैं, तो वहाँ तो टोल देना ही देना है आप लोगों को, तो वहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है। बाकी जितने हाईवेज हैं, आई थिंक हाईवेज पे आप लोगों का फ्री रहता है, तो हाईवे पे आप लोग फ्री में जा सकते हैं, तो उस पर आप लोगों का कोई भी टोल वोल का दिक्कत नहीं रहती है। ये अपना मुड़सल का टोल गया, अभी इतनी धूप हुई नहीं है, थोड़ी देर में एक घंटा लगा के चलिए, अभी 7 बज रहे हैं, तो 7 से आप लगा के चलिए 9 बजे तक आपकी ऐसी तगड़ी धूप हो जाएगी। तो मैंने वही तैयार किया, मैंने कहा दिल्ली और अपना जितना होम टाउन तक अपना सुबह सुबह अपना ट्रैवल कर लें, फिर होम टाउन से आगे अपना निकलेंगे 8-8:30 बजे तक। तो अब यहाँ से अपना 20 मिनट में होम टाउन पहुँच जाएंगे, इसके बाद आएगा आपका गन्नौर, गन्नौर के बाद मेरा होम टाउन आता है जिसे हम लोग गांव बोलते हैं। तो गांव पहुंच जाएंगे अपने, गांव पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे आगे। तो भाई अपना फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है जो कि था मेरा होम टाउन, तो होम टाउन पे पहुंच गए हैं, और यहीं पे हम लोगों के जो 1000 किलोमीटर है मेरी बाइक के, वो कंप्लीट हो गए हैं, दिख रहा होगा 999.7 हो गया है, और अभी इसके 1000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात है यार, अपने घर आए हैं और यहीं पे ही अपने 1000 किलोमीटर आज पूरे हो गए, 999.9 एंड ये 1000। तो बहुत कम टाइम होता है ऐसा यार कि कहीं तुम जा रहे हो और सही जगह जा रहे हो और तुम्हारे साथ ऐसे कुछ होता है, तो अपने 1000 किलोमीटर कंप्लीट। अभी तो ये बहुत चलनी है यार, लंबे लंबे टूर करने हैं इसके साथ, और आज तो पहला ही इसका, मतलब सबसे पहला लॉन्ग टूर है, आगे तो और भी आएंगे जो अपनी लिस्ट में है अभी। तो चलिए एक बार अपने होम टाउन से निकलेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, अपना जो फर्स्ट हॉल्ट था अपने होम टाउन से, तो भाई अभी 10:30 हो गए, लेट हो गए यहाँ से वैसे ही, और सेकंड डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते हमें 2 घंटे लगेंगे कम से कम, 12:30 बजे के आसपास निकलेंगे, पहुँचेंगे हम लोग। तो वहाँ पहुँचते हैं एक बार, और फिर स्ट्रेच कहाँ से लग गया, वहाँ पहुँचते हैं एक बार, और जो हमारा मेन मोटो है जाने का, वो यार हम लोग को एक शूट कराना है बाइक का अपने चैनल के लिए, थोड़ा सिनेमैटिक शूट वगैरह रहेगा, तो वो एक बार करवाएंगे वहाँ जाके, और फिर आप लोग को आउटपुट दिखाएंगे उसका, जो बेसिकली चैनल के ऊपर जो इंट्रो होता है ना, तो इंट्रो शूट करवाएंगे। और अपने साथ जो बाइक जा रही है वो ये है, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, जो कि अपने छोटे भाई की है, तो इसका भी एक वीडियो शूट होगा। और ये अपना राइडिंग पार्टनर है, हम जहाँ पे भी जाएंगे आपको आगे से ये बाइक ज़रूर दिखेगी वहाँ पे, तो ये देखते हैं एक बार।
और आज आप लोगों को इस बाइक का भी फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। चला के देखेंगे इस बाइक को कैसी है ये, तो अब तक मैंने ये ट्विन इंजन जो बाइक है वो चलाई नहीं है, तो इस बाइक को भी चलाएंगे और देखते हैं कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इसका जो प्रॉपर वीडियो रहेगा वो अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, और उसमें सारी चीज़ें इस बाइक की कवर करूँगा, क्योंकि ये वाली बाइक भी 2023 की बाइक है, जो भी लेटेस्ट मॉडल आया है, कलर देख रहे हैं ब्लैक एंड गोल्डन में है। तो इसको भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इस राइड के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसका ही आएगा, इस एक्सप्रेशन का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। तो भाई निकल गए अपने होम टाउन से, और जो सेकंड लोकेशन हमारी रहेगी वो रहेगी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हमें थोड़ा काम है और वहीं पे हमारा जो शूट वगैरह होगा वहीं पे होगा। तो बाइक की बाइक भी देख रहे हैं आप, यहाँ से ऊपर जाएंगे और आगे जो फ्लाईओवर चढ़ रहा है उस पर कनेक्ट करेंगे। मैंने एडवेंचर बाइक ली थी एडवेंचर करने के लिए, भाई ने ली है इंटरसेप्टर क्रूजिंग के लिए, हाईवे राइड्स के लिए। तो वो अपनी वो भगाने में उस्ताद है भाई बाइक। उस बाइक को आप चलाओगे तो 120, 30, 40, 50, 150 तक भागती है, खतरनाक गोली की तरह। निकला भाई, भाई हम चलाएंगे आराम से, वो भाई तो भगाता हुआ निकाल लेगा। हम लोग हैं भाई आराम से चलाने वाले राइडर, हम चलाएंगे 80-100, वो भाई तो उड़ा देगा। ये देखिए, बताइए कैसी लग रही है वाली बाइक। ये अभी 2023 मॉडल है, तो देखने भाई सही लगती है, बट आई थिंक उसमें चेक करेंगे आज की विंड नॉइस या विंड प्रेशर कह लीजिए कैसा लगता है। भाई करनाल पहुंच चुके हैं, करनाल पहुंचने में हमें लगा एग्जैक्टली 40 मिनट्स, आराम आराम से आ रहे थे। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मतलब बाइक पे भी ऐसा लग रहा है उड़ा के ले जाएगी, मतलब तो आज पता नहीं क्या हो गया, वैसे कभी हवा चलती नहीं इतनी तेज़। तो आप लोगों को भी माइक में आवाज़ आ रही होगी हवा की, कितनी तेज़ चल रही है हवा। और यहाँ से कुरुक्षेत्र है अराउंड आई थिंक 20 या 25 किलोमीटर और होगा जहाँ पे हमारी फाइनल लोकेशन है। धूप बहुत तगड़ी निकली हुई है यार, बट बाइक पर लग नहीं रही है। अगर हम कुछ राइडिंग जैकेट वगैरह डालते तब उसमें लगती, क्योंकि हवा लग रही है अभी, तो ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं। तो अगले आधे घंटे में डेस्टिनेशन पे होंगे, और माइलेज आप देख रहे हैं 34 की माइलेज दे रही है ऑन हाईवे, AFE भी इसका 34 दिखा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया माइलेज दे रही है हाईवे पे भी है। तो कंपनी कितना क्लेम करती है वो मुझे पता नहीं है, बट अभी सही माइलेज निकाल रही है। सिटी में तो यार ये वही 20-25 के आसपास देती है, शायद कुछ 20 से 25 के बीच में, बट हाईवे में बहुत अच्छी माइलेज निकाल रही है अभी। तो भाइयों हम लोग आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में, एंट्री कर ली अभी हम लोगों ने, तो यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर और है अपनी लोकेशन,
तो बड़ी गर्मी हो रही है यार, बीच में रिकॉर्ड नहीं किया मैंने जितनी भी जर्नी थी, तो आप लोगों को लोकेशन पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ से 12 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है अभी इसी रोड पर सीधा सीधा, कि मैं ही फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे अभी, और जो मेरे साथ वाला था वो कहीं गुम हो गया है, आगे पीछे हो गए हम लोग। तो लोकेशन पे पहुँच के एक बार, तो अगला जो शूट रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं कैसा शूट है क्या शूट है। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों का शेयर करना जो भी इस तरह के कंटेंट देखना चाहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।